नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, फरीदाबाद में NIT 2-3 की चौक पर गोल चक्कर बोलते हैं और बगल में अपूर्वा हॉस्पिटल है। यहाँ पर जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। आपने सुना होगा, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, पब्लिक को सस्ते में जेनेरिक दवाइयाँ मिले। दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, पब्लिक को बहुत कॉस्टली पड़ती है। फिर मोदी सरकार ने एक योजना लॉन्च की, जन औषधि केंद्र। अभी पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, तो फरीदाबाद की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2-3 चौक पर यहाँ पर जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, आज इसका उद्घाटन है। अब जनता को यहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिल सकती हैं, अच्छी लोकेशन पर, नज़दीक अपूर्वा हॉस्पिटल है, गोल चक्कर 2-3 चौक। आप लोग एड्रेस जान लीजिए, गोल चक्कर 2-3 चौक। हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं, जो मेडिकल स्टोर मालिक है उनसे बातचीत कराएंगे और बताएंगे आपको जेनरिक दवाइयाँ खरीदने से क्या फ़ायदा होता है। हम आगे चलते हैं। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, एशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, ऑफरिंग कोर्सेज लाइक BTech, MTech, BBA एंड BCA। विजिट EITFaridabad.com। एशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, लीडिंग द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन एंड विनिंग इट। ये देखिए, 2-3 चौक पर भारतीय जन औषधि केंद्र, ये मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की परियोजना है। काफ़ी लोग यहाँ पर रिबन काटा जाएगा और पूजा की जाएगी, उसके बाद उद्घाटन हो जाएगा। एक मिनट। ये माता जी रिबन काटेंगे। ठीक है, बधाई हो हमारी तरफ से भी, और बहुत अच्छी परियोजना है केंद्र सरकार की। सस्ती मेडिसिन्स मिलती है, जेनरिक मेडिसिन्स। अगर कोई एंटीबायोटिक 500 रुपये का है तो जेनरिक में लोगे तो 50 रुपये का मिलेगा। कई दवाइयाँ 10 गुना सस्ती होती हैं। और ये देखिए काउंटर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, सस्ती दवाइयाँ अच्छी दवाइयाँ। यहाँ पर अधिकतर जेनरिक मेडिसिन्स हैं, हर तरह की मेडिसिन्स मिलेगी, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स मिलेगी और जो जनरल मेडिसिन्स होती हैं वो सभी, डायबिटीज़, जितने भी बीमारियाँ होती हैं, अधिकतर तो एंटीबायोटिक होती हैं जेनरिक, जो काफ़ी महंगी मिलती हैं ब्रांडेड। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जेनरिक दवाइयाँ खरीदने से पब्लिक का क्या फ़ायदा है, मरीजों का क्या फ़ायदा है, आप का कितना पैसा बच सकता है अगर आप जेनरिक मेडिसिन खरीदते हैं, तो हर चीज़ आपको बताएंगे। आ जाओ, बैठिए। नमस्कार, फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं लाइव वीडियो, और जैसा कि सब जानते हैं दवाइयां बहुत महंगी हैं, MRP कई गुना अधिक लिखी रहती है, और जब पब्लिक ख़रीदने जाती है तो बहुत सारी दवाइयां कई गुना अधिक दामों में मिलती हैं। मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र की योजना इसीलिए लॉन्च की थी कि पब्लिक को, ज़्यादातर गरीबों को दवाइयाँ सस्ती मिलें। थोड़ा सा इसका फ़ायदा बताएँगे, जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं इसका थोड़ा फ़ायदा बताइए, क्या होती है ये जेनरिक मेडिसिन। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अविनाश है और मैं फैजाबाद से। अच्छा, ठीक सर, जेनरिक मेडिसिन जैसे कि डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती है, जैसे डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म उनकी मेडिसिन चलती है, तो उनको जो 3 महीने की जो, मतलब 1 महीने की जो दवाई वो खरीदते हैं, तो उनकी कम से कम उसी पैसे से, 1 महीने के पैसे से वो 3 महीने की मेडिसिन खरीद सकते हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है गरीब लोगों का। मतलब अगर कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन ब्रांडेड खरीदता है, मान लो उसको
की मेडिसिन मिली, अगर वो जेनरिक खरीदेगा तो 50 रुपए या 100 रुपए में वही दवाइयाँ मिल जाएंगी, यानी 400 रुपए की सीधा बचत हो जाएगी। और जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, क्या कोई डिफरेंस होता है जो इसकी जो है डोजेज होते हैं और कैपेसिटी होती है? नहीं नहीं सर, मात्रा जो रहती है वो सेम रहती है, डिफरेंस कुछ नहीं होता। अच्छा, बस सीधा कंपनी का ब्रांड का फर्क होता है। ब्रांड का फर्क होता है, जो फायदा ब्रांडेड मेडिसिन करेगी वही फायदा जेनरिक मेडिसिन करेगी, सिर्फ दाम का फर्क रहेगा, सिर्फ दाम का फर्क रहेगा। तो पब्लिक की बहुत ज्यादा बचत है। यस सर। अच्छा, तो आपके पास कितनी तरह की मेडिसिन अभी हैं और कितनी आने वाली हैं? क्या क्या जब पब्लिक मेडिसिन लेने आती है ये सोचकर लेने आती है कि उसको सभी तरह की मेडिसिन जन औषधि केंद्र पर मिल जाएगी, तो क्या आप भरोसा दिलाते हैं कि उनको हर तरह की मेडिसिन मिल जाएगी? और अगर कोई नहीं भी मिलती तो आप मंगा कर देंगे उनको? सर बिल्कुल, उनको यहाँ से निराश होकर तो नहीं लौटना पड़ेगा? नहीं जाने देते, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आते हैं मेडिसिन खरीदने, जब मेडिसिन नहीं मिलती है और फिर कहीं और जाना पड़ता है तो उनको लगता है यार यहाँ आना व्यर्थ हो गया। तो ऐसा है कि आप उनको अरेंज करा के देंगे अगर कोई मेडिसिन नहीं भी होगी तो? यस सर। आप कुछ कहना चाहते हैं इस स्टोर के बारे में? चाहता हूँ मैं माम सिंह तेवतिया। अच्छा, ये प्रधानमंत्री की योजना के उसमें जन औषधि जो चला गया जो गरीबों के लिए बहुत ही फायदे का है, और जो लंबे समय से लोग जो बीमारी के शिकार रहते हैं जैसे शुगर है, तो उन लोगों की दवा। अच्छा, और यहाँ से जो जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं ये सस्ती होती हैं, 90% से लेके 50%, ताकि ये सस्ती मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो दवाई मार्केट से 100 रुपए की मिलेगी वो दवाई यहाँ जन औषधि स्टोर से 15 या 20 रुपए की वो दवाइयाँ। और हमने ये भी देखा किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लीवर पेशेंट, ये सब जो है पेशेंट जो है दवाइयों में मार खा जाते थे, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं, खासकर जो किडनी मरीज होते हैं उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। लेकिन जब से ये जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया और जन औषधि केंद्र खुल गए, दवाइयाँ कई गुना सस्ती उनको मिलने लगी, और जो दवाइयों के अभाव में मर जाते थे मरीज, अभी वो जिंदा हैं क्योंकि उनको दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी कैपेसिटी में आ जाता है, वो इसे आराम से खरीद सकते हैं। अच्छा, जो 1000 रुपए की दवाइयाँ एक बीमारी के लिए किडनी के लिए है उसके लिए लेते थे, दवाइयाँ उन्हें 200-250 रुपए में अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, तो वो आदमी अपनी दवाइयाँ ना पूरा कोर्स अपना कर लेते हैं। कुछ लोग पैसे के अभाव से महंगी दवाइयाँ होने के कारण हो रही, तो ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में जन औषधि का बिल्कुल बहुत अच्छा गरीब जनता के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल जिनकी कम आमदनी है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हुई है जेनरिक मेडिसिन और जन औषधि केंद्र, जो गरीब मरीज हैं उनके लिए वरदान साबित हुआ है। तो थोड़ा सा हम कुछ मेडिसिन देखेंगे और उसके फायदे के बारे में बातचीत करेंगे। कुछ मेडिसिन दिखाइए जो सस्ती हैं और जो आपके पास हैं। एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक, ये एमोक्सिलिन 625 सर, ये 625 एमजे की है। बिल्कुल, यही ब्रांडेड कंपनी में जो आता है कम से कम 20 रुपए की एक गोली पड़ती है, 200 रुपए की पत्ता पड़ता है, जो कि आपको 51 रुपए का स्ट्रिप पड़ रही है, जिसमें 150 रुपए टोटल नेट प्रॉफिट हो गया सर। कितनी टैबलेट हैं स्ट्रिप में? इसके अंदर 10 टैबलेट होती है। 10 टैबलेट हैं, दिखाइए। 6 गोली हैं फिर भी। ये एमोक्सिलिन टैबलेट है, एंटीबायोटिक है, कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। और ये टैबलेट जो है काफ़ी महंगा है, ब्रांडेड अगर कंपनी का लेते हैं तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये जो है इनका कहना ये काफ़ी सस्ता है, 51 रुपए में 6 टैबलेट है, वैसे 2-3 गुना ज़्यादा महंगी। और कोई टैबलेट दिखाइए। कैल्शियम है, विटामिन D3। हाँ, कैल्शियम की टैबलेट भी हर कोई खाता है, बुजुर्ग लोग खाते हैं इसको, जिसको भी कैल्शियम की कमी हो जाती है वो खाते हैं। कितने का है? हाँ जी, 100 रुपए की स्ट्रिप आती है। कितनी टैबलेट? मात्र 15 टैबलेट 100 रुपए की आती है, और ये 10 टैबलेट मात्र 7 रुपए की है। ये जो है देखो कितनी सस्ती मेडिसिन है, ब्रांडेड जो मेडिसिन है ये टैबलेट है कैल्शियम की, 100 रुपए में 10 टैबलेट आती है ना, 100 रुपए में 15 टैबलेट आती है। लेकिन ये देखिए ये कितनी 15 टैबलेट हैं सिर्फ 7 रुपए में। ये देखिए मैं आपको प्राइस भी दिखाता हूँ, ये देखिए 7 रुपया, ठीक है,
7 रुपये पर 10 टैबलेट लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो ये 10 ही है। हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा तो है ही है बिल्कुल। तो आपने देखा इसके फ़ायदे, और कोई दवाई दिखाइए आयरन की और भी जो पब्लिक को डेली ज़रूरत पड़ती है, आयरन की, कैल्शियम हमने देख लिया और भी विटामिन्स की टैबलेट होती हैं, कोई भी टैबलेट आप दिखा दीजिए जो आपके पास हो। ये हमारी फोलिक एसिड, फोलिक एसिड ये भी आयरन के लिए, और इसका क्या है बेनिफिट, कितनी की कितने की? ये मात्र 4 रुपये की स्ट्रिप है। 4 रुपये की 15 टैबलेट, कितनी 10 टैबलेट हैं सिर्फ 4 रुपये में। ये फोलिक एसिड की टैबलेट है, ये बहुत महंगी मिलती है, ब्रांडेड अगर लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है ये देखिए। और ये सिर्फ जो है इसका प्राइस हम देख लेते हैं, 4 रुपया, एक मिनट क्लोज करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए 4 रुपया लिखा हुआ है, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये 4 रुपया लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स हैं, ये सिरप वगैरह कुछ दिखाइए, सिरप वगैरह कुछ हैं आपके पास? सिरप वगैरह ये भी जेनरिक हैं या? ये भी जेनरिक में आता है सिरप, एंटासिड। हाँ एंटासिड, इसका भी काफ़ी डिमांड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने का? 42 रुपये का है। 42 रुपये का, वैसे मार्केट में कम से कम 125 रुपये, 125 का, बिल्कुल। ये भी काफ़ी महंगा होता है, और लीवर जिसका ख़राब होता है, डाइजेशन ख़राब होता है, वो ये मेडिसिन लेता है, सिरप लेता है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं इनके पास हैं, और बहुत सारी आने वाली हैं, पूरा स्टोर है इनके पास। कफ के लिए सिरप है, खांसी के लिए, खांसी के लिए सिरप है, और मात्र 24 रुपये, सिर्फ 24 रुपये में। वैसे आप बाहर लेने जाइए 70-80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक आते हैं, लेकिन सिर्फ 24 रुपये में ये सिरप है। अच्छा एक बात हमें आप बताइए जो है थोड़ा सा, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो अधिकतर वो ब्रांडेड मेडिसिन ही लिखते हैं, तो क्या वो प्रिस्क्रिप्शन आपको लाकर दे सकता है, आप उसकी जगह जेनरिक मेडिसिन दे सकते हैं और उसको काफ़ी सस्ता पड़ सकता है, कहीं ये डॉक्टर नाराज़ तो नहीं हो जाएगा कि भाई हमने जो लिखा था वही आपको लाना चाहिए? नहीं डॉक्टर नाराज़ नहीं होंगे, पहले हम डॉक्टर से कंफर्म करेंगे। अच्छा अच्छा, पहले हम पेशेंट को दवाई दे देंगे और तो बोलेंगे डॉक्टर से आके आप बात करो, और आप हमारे बारे में बताना, बिल्कुल बिल्कुल, जन औषधि के बारे में बताना कि हमें मेडिसिन बहुत अच्छी मिल रही है और फायदा भी है इससे, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर फिर इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करेगा, बिल्कुल। कई सारे डॉक्टर पर्ची लिखकर दे देते हैं, जाइए आप इसको दवाई लेकर खा लीजिए, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं और वो दवाइयाँ लेकर खा सकते हैं। वैसे फ़ायदा तो दोनों का बेनिफिट तो सेम ही है, बिल्कुल दोनों का बेनिफिट सेम है, होती है और जर्नी होती है, फायदा दोनों का सेम ही, फायदा सेम रहता है, वो कॉस्टली होती है, ये बहुत सस्ती भी होती है, बिल्कुल। और केंद्र सरकार खुद कहती है आप जेनरिक मेडिसिन खाइए, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा पूरा है और पैसे की भी बचत को जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, तो पब्लिक को भी समझ जाना चाहिए जेनरिक मेडिसिन खाने में बहुत ज़्यादा फायदा है, पैसे की भी बचत है इसमें सर, पब्लिक का ही फायदा होता है, प्रॉफिट होता है इसमें, आप महीने भर की दवाई नहीं 3 महीने की दवाई ले सकते, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अम्मा से बात करते हैं, अम्मा ने रिबन काटा था। अम्मा पहले के ज़माने में दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती थी, और जब किसी को वैसे टीबी वगैरह हो जाती थी वो बचता नहीं था, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी होती थी, लेकिन अब जो ज़माना बदल रहा है तो दवाइयाँ भी सस्ती होने लगी हैं। अब आपने जो है मेडिकल स्टोर खोला, रिबन काटा, उद्घाटन किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अब इससे गरीबों को फ़ायदा मिलेगा, सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, और दुकान खूब। आप कहाँ रहते हो अम्मा, कहाँ रहते हो बेटा? हाँ फरीदाबाद में ही रहते हो ना? ना, अच्छा, बच्चा तो रहे हैं यहाँ, अच्छा, और बूढ़े बड़े रहे हैं, कुछ बड़े बड़े हो गए। आप कहाँ रहते हो, कौन से गांव में? कौन जा रहे हैं परवरते परे मेरा तीन के घर। अच्छा ये फरीदाबाद में ही है ना? हाँ फरीदाबाद में ही है ना, पलवल से आ गया, अच्छा काफ़ी दूर से आई है। अच्छा आप क्या कहने चाहते हो इसके बारे में, स्टोर के बारे में? ये बहुत अच्छी स्कीम है, गरीब लोग दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं, बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है बहुत अच्छी चलाई है,
इसको गरीबों को लाभ होगा और वो भी बेचारे अपनी दवाई कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। थैंक यू, धन्यवाद। और कई लोग पूछ रहे हैं भैया शुगर की भी मेडिसिन, ये शुगर तो डायबिटीज ही है और आपने अभी बताया था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप पूछ रहे हैं सवाल की शुगर की मेडिसिन टैबलेट मिल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर डायबिटीज की टैबलेट है और शुगर की भी कोई टैबलेट आती है? नहीं, शुगर की ही डायबिटीज की, डायबिटीज ही है। हाँ, उसकी बिल्कुल यहाँ पर टैबलेट है। हाँ, दिखा दीजिए। ये मेटफॉर्मिन आती है शुगर की मेडिसिन। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये आपकी 10 गोली की स्ट्रिप है, 6 रुपए की, मात्र सिर्फ 6 रुपए में ये शुगर की टेबलेट है भैया। नीरज आहूजा जी, सिर्फ 6 रुपए में ये टेबलेट है शुगर की, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगी 2-3 चौक पर। तो बहुत सारी दवाइयाँ हमने देखी और लोगों से बातचीत की। यहाँ पर उद्घाटन हो चुका है, लोकेशन हम आपको एक बार फिर से दिखा देंगे ताकि आपको यहाँ पर आने में आसानी रहे। ये देखिए, बहुत अच्छी लोकेशन पर है, ये गोल चक्कर है और ये अपूर्वा हॉस्पिटल है, साथ में गुरुद्वारा है। ये 3 नंबर की तरफ जाता है रोड, ये देखिए राम, बहुत अच्छी लोकेशन पर है ये, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमने आपको 2-3 चौक पर गोल चक्कर पर खुले जन औषधि केंद्र की वीडियो दिखाई, जेनरिक मेडिसिन के फ़ायदे आपको बताए। आप यहां पर आ सकते हैं, जेनरिक मेडिसिन यहां पर ख़रीद सकते हैं, कई गुना सस्ती कीमत में आपको जेनरिक मेडिसिन मिलेगी। कीमत कम, फ़ायदा ज़्यादा, और गरीबों के लिए तो वरदान है जेनरिक मेडिसिन और जन औषधि केंद्र, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए आप लोग। मैं आपसे विदा लेता हूँ, वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि फरीदाबाद की जनता को इस औषधि केंद्र के बारे में पता चल सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार।